सो यहाँ पर हमारे जो 10th क्लास के जो बच्चे हैं वो एग्जाम दिला के वापिस आ रहा है। इन्हीं से पूछते हैं कि जो इनका आज का जो एग्जाम है वो किस टाइप से गया, पेपर जो है क्या बहुत इजी था कि जो टफ था, और इनके प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इनका आज का जो एग्जाम है और बाकी जो अदर जो एग्जाम था वो कैसे गया। ऐसा इजी रहा कि आपके प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग तो देखा जाए तो आपका जो एग्जाम है वो आज कैसे गया? बहुत अच्छा गया। इजी था कि टफ था क्वेश्चन पेपर? इजी था। मीन्स बच्चों का रिएक्शन यहाँ पर देखा जाए तो बहुत ही इजी क्वेश्चन पेपर था। ओवरऑल हम डिफरेंट जो सब्जेक्ट की बात करें तो जो ओवरऑल जो सब्जेक्ट वाइज हम देखें तो आपका बाकी सबसे ज्यादा जो टफ जो सब्जेक्ट आपका कौन सा था और कौन सा जो पेपर था वो सबसे ज्यादा टफ आया था? साइंस। तो बच्चों का रिएक्शन यहाँ पर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो टफ था वो साइंस था, और सबसे ज्यादा इजी की बात करें तो कौन सा सब्जेक्ट था? हिंदी। तो बच्चों का जो हिंदी जो है सबसे ज्यादा इजी लगा, और सबसे ज्यादा टफ की बात किया जाए तो साइंस। तो यहाँ पर बेटा हम बात करेंगे सीबीएसई का एक जो नया था कि ऑब्जेक्टिव टाइप वाले जो क्वेश्चन दिए थे, पैटर्न इस बार वैसा था। तो अदर जो एग्जाम जो रिटर्न वाला होता है तो ऑब्जेक्टिव वाला जो एग्जाम था तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये एग्जाम आपको इजी लगता है कि जो मेन जो जो थ्योरी जो रिटर्न एग्जाम होता है वो ज्यादा इजी लगता है? रिटर्न वाला एग्जाम। सो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि बच्चों को रिटर्न वाला जो एग्जाम है वो ज्यादा बेहतर पसंद आता है, और ये जो आपका ऑब्जेक्टिव वाले जो क्वेश्चन थे वो उतने ज्यादा इनको पसंद नहीं आ रहे हैं। सो बेटा अब जो है आपके जो एग्जाम है यहाँ पर आज कंप्लीट हो गए, तो आपको कैसा लग रहा है? फाइनली इतने दिन का आपका जो एक जो स्ट्रेस लेवल, तो फाइनली आपका जो एग्जाम कंप्लीट हुआ, सो आप क्या कहना चाहते हैं? खत्म हो गया तो हम लोग बहुत खुश है, अब हम लोग बहुत इंजॉय करेंगे। ये अब बच्चे जो है फाइनली एग्जाम कंप्लीट होने के बाद इनका एंजॉयमेंट टाइम है वो स्टार्ट होने वाला है। सो ओके बेटा, ये एंजॉय कीजिए आप लोग, ठीक है? चलिए ओके, बाय बाय।